Yesterday we discussed the characteristics of the periods groups. Okay, today we will discuss the comparison between the groups and the period, so that it will be clear to you. Okay, ji. Periods and groups. Okay, characteristics we are going to discuss about the periods as well as the groups. In period, I told you, कौन सा period याद रखना आपने? Sodium वाला third period. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine. ठीक है? And groups में lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. And fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. ठीक है? One we will discuss about this one, that is the metals, and other one is the non-metal. And here we will discuss the one period. ठीक है जी? Sodium, magnesium, aluminium. Six characters हमने discuss किए थे. Comparison कर लो बच्चे, so that easily हो जाएगा. Six character थे. पहला था valence electron. पहले मैं इनके atomic number I am writing here. बस 21 281 2881 27 287. ठीक है जी, पहला करेक्टर क्या था? वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वेलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग. ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स. ठीक है, यहां पे वेलेंस इलेक्ट्रॉन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम. इज इट क्लियर बच्चा? इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज क्लियर इट आउट. ठीक है, सेकेंड था वेलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, व्हाट इज द वेलेंसी? First the valency goes on increasing and then it goes on decreasing. And what about in that case of the group? Valency remains. क्योंकि same electron है valence shell में, one और यहाँ seven, इसकी plus one, इसकी minus one. तो valency remains the same. जिसको कोई character अभी भी नहीं इसमें समझ आए please पूछ लेना. Third, size of atom. अब इसमें क्या था? यहां पे साइज ऑफ एटम इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि ये देखो, अगर मैं इसको ले रही हूं एल्यूमिनियम वाले को, या ये ले लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, चलो 281. ठीक है, एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, हर बार इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है सेम शेल में. अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो दैट मींस यहां पे प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द प्रोटॉन्स. इफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. प्रोटॉन्स अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ. चार्ज इंक्रीज हो गया तो एक ही शेल में हो रहे हैं. ठीक है, इसका होल्ड यहाँ पे उतना ही चल रहा था जितना पहले था. वन था, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. एज इट इज इंक्रीजिंग इन द सेम शेल, प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. सेम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, ड्यू टू विच प्रोटॉन्स विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. नेचुरली अगर इन अ लेमन लैंग्वेज अगर हम बात करें, कोई चीज एक ही जगह पे बढ़ती जा रही है तो नेचुरली प्रेशर नीचे आता जाएगा, भारी होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अंदर खींचना शुरू कर देते हैं. राइट, हियर इन दिस केस यहाँ पे दो शेल थे, हियर थ्री, यहाँ पे फोर. यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द सेम शेल, हियर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज.
यहाँ पे आपके पास था ये थे 2-1, ठीक है, सोडियम में बनाया 2-8-1, देन ऐसे हो गया. यू कैन इजीली सी द साइज ऑफ जो है शेल इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू विच साइज ऑफ एटम गोज ऑन इंक्रीज. हियर द साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, ड्यू टू विच प्रोटॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इट्सेल्फ. ये गलती यहाँ पे हो जाती है, बट मेक श्योर इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, ठीक है. शेल इंक्रीज, सेम रीजन है, शेल बढ़ता जा रहा है. डिस्टेंस बिटवीन देम टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शेल दूर होता जा रहा है, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन को एनीवन कैन टेक इट, ठीक है. देन फिफ्थ वन इज केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी. इन द सेम केस ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी, मतलब व्हेन इट लूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन, तभी वो कंपाउंड बनाएगा. जैसे हमने ये करा हुआ है, नाइन्थ में यू हैड डन, सोडियम इज हैविंग +1, क्लोरीन इज हैविंग -1, है ना. इट विल, या आप ये कर लो, ये करा था हमने 1, इट विल गिव इट्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na, ये एक ले लिया, ठीक है, फार्मूला क्या बन गया हमारा, या कंपाउंड NaCl. दैट मींस केमिकल रिएक्टिविटी मींस हाउ दे आर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड. जब उन्होंने कंपाउंड फॉर्म करना, तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है, ठीक है, 2 थोड़ा मुश्किल, 3-4 फिर यहाँ लेने थोड़े मुश्किल है, फिर थोड़े और कम हो गए मुश्किल, यहाँ इजीली गेन कर सकता है. जिसको तो एक एक चाहिए, वो छोड़ना भी आसान है, लेना भी आसान. जहां पे 2 मेंबर्स हो गए, वहां लेना भी मुश्किल है, छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल है. 3 हो गए, वहां पे भी ये. तो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देन इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है. इन द सेम वे, यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि सबके पास सेम ही रूल फॉलो होगा, क्योंकि सेम ही ग्रुप की बात हो रही है, तो केमिकल रिएक्टिविटी सेम ही रहती है, ठीक है. बस उसमें यही होता है कि इट इज इजीली, मतलब इट वी कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली हियर, जैसे हमने मेटालिक रिएक्टर में किया है, तो केमिकल रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन केस ऑफ द दिस वन. क्या हुआ, ठीक है. देन द केमिकल, जैसे मेटेलिक करेक्टर, जैसे जैसे नीचे आते गए डिस्टेंस बढ़ता गया, इजीली लूज हो जाएगा, तो केमिकली रिएक्टिव हो जाएगा वो. जितना लेने में आएगा, लेने में उल्टा चल जाएगा, क्योंकि वहां आपने गेन करने है, यहाँ गेन कर. सेम केमिकल रिएक्टिविटी, ये लीस्ट रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, कोई भी उसको ले जाएगा. यहाँ पे फिर वही रूल कि लेना मुश्किल हो जाएगा, पहले के लिए लेना ईजी है, ये हाईली रिएक्टिव होता है नीचे लीस्ट, ठीक है. देन सिक्स्थ करेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड. क्या है नेचर ऑफ ऑक्साइड,
वहां पे तो सिंपल है, दीज आर द मेटल्स हैं, BMO मेटालिक ऑक्साइड बेसिक का नेचर, एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, यहाँ पे बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि ये नॉन मेटल बनते जा रहे हैं, ये मेटल्स थे, बेसिक डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक इंक्रीज हो रहा है. एनी डाउट? एनी डाउट?